अच्छा नमस्कार। देखिए बच्चों, पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको टेंस के बारे में साधारण जानकारी दी थी, एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू समथिंग अबाउट टेंसेस इन मोर डिटेल। आज आपको टेंसेस के बारे में थोड़ा अधिक डिटेल से जानकारी दूंगा मैं आपको। प्लीज ओपन योर टेक्स्ट बुक एट पेज नंबर 19, पृष्ठ संख्या 19 के ऊपर बच्चों आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलेंगे। ऊपर देखो एक्टिविटी 3 में लिखा हुआ ग्रामर, और नीचे जो है रेड लेटर्स में लिखा है प्रेजेंट टेंस। नीचे लिखा है बच्चों प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स इन इंग्लिश आर ऑफ 4 काइंड्स। तो हमने बच्चों आपको बताया था कि जो टेंस होते हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, और फ्यूचर को हम टेंस नहीं मानते हैं, लेकिन फ्यूचर को हम क्या मानते हैं, सेगमेंट ऑफ टाइम, अर्थात उसको समय का खंड, या हिंदी में कहते हैं आप उसको कालखंड मानते हैं। इज इट क्लियर? तो यहां बच्चों बताया गया है कि प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स इन इंग्लिश आर ऑफ 4 काइंड्स, यानी अंग्रेजी में क्या होता है कि जो प्रेजेंट टेंस की फॉर्म होती है वो 4 प्रकार की होती है, और जिसमें एक फॉर्म को आप बच्चों सिंपल फॉर्म कहते हैं। तो सिंपल फॉर्म के अंतर्गत आप प्रेजेंट सिंपल टेंस को पढ़ते हैं, जिसे आप अन्यथा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ओके। दूसरे नंबर पे बच्चों कंटिन्यूअस फॉर्म आती है, जिसे अन्यथा आप प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कहते हैं, और उसमें बच्चों आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का अध्ययन करते हैं, और उसमें आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या जोड़ते हैं, ing जोड़ते हैं, जिसे अन्यथा वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहा जाता है, या उसमें उसे आप प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। इसके आगे जो है परफेक्ट फॉर्म बढ़ते हैं, तो जो प्रेजेंट टेंस की परफेक्ट फॉर्म है उसमें बच्चों आप हैज या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और थर्ड फॉर्म को आप अन्यथा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, और अंत में आती है बच्चों परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म जो होती है बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म, उसके अंतर्गत आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अध्ययन करते हैं, जो आप हैज बीन या हैव बीन के साथ न केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, अभी तो आगे अगर टाइम दिया हुआ है तो उसके पहले आप नियमानुसार सिंस या फॉर का प्रयोग भी करते हैं। इज इट क्लियर? अब बच्चों उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं। देखो पहला सेंटेंस हमारे पास में, आई प्ले क्रिकेट। तो बच्चों आप बच्चों का जब भी आप हिंदी अनुवाद करते हो तो बोलते हो आप ता है, और अगर लड़की है तो क्या बोलेंगे, ती है। स्वयं के लिए है तो ता हूं, है ना, और उसी तरीके से अगर स्वयं लड़की है तो आप कहते हो ती हूं, और अगर बहुवचन है तो ते हैं, ये ते हैं हो गया, और कभी कभी ते हो भी बोलते हैं आप, जैसे आप खेलते अनुवाद करने पर आपको वाक्य के अंत में बोलना है। अब जब मैं बोलता हूं कि आई प्ले क्रिकेट, तो इसका ट्रांसलेशन बच्चों आप करोगे कि मैं क्रिकेट खेलता हूं, ता हूं। आप सेकंड नंबर पे बच्चों मैंने कहा वी प्ले क्रिकेट, तो इसका अनुवाद भी आप करोगे, आगे देखो बच्चों ही, ये प्ले, आप जानते हो बच्चों इसमें आपने एस जोड़ा, क्योंकि मैंने कई बार समझाया कि बच्चों सब्जेक्ट अगर तो आपको सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, और सिंगुलर वर्ब होती है जिसके अंत में हमेशा एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो आपने ही प्लेज क्रिकेट, ये लिखा आपने ही प्लेज क्रिकेट। शी के साथ में बच्चों कैसे पूर्ति करोगे, शी प्लेज क्रिकेट, तो एक का मतलब तो ये हो गया कि वह क्रिकेट खेलता है, दूसरे का मतलब हो गया वह क्रिकेट खेलती है। अब लिखो ये आप दे प्ले क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट का मतलब हो गया वे क्रिकेट खेलते हैं, सेम बच्चों। अब क्या करोगे, सिंगुलर है तो एस जोड़ोगे, सेम प्लेज, और ये लगा दिया आपने क्रिकेट। सोफिया एक लड़की का नाम है, और चूंकि सिंगुलर है इसलिए एस जोड़ो, सोफिया प्लेज क्रिकेट। अब बच्चों प्लीज लुक एट बोर्ड वेरी केयरफुली, बोर्ड की तरफ आप जो है देखें, रीड द सेंटेंसेस वेरी केयरफुली, और जो सेंटेंसेस लिखे हैं उनको बच्चों आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब आप समझो बच्चों कि यहां पर मुझे क्या बातें आपको समझानी है। देखो एक बात तो ये बच्चों प्रेजेंट सिंपल टेंस वो होता है जिसमें फर्स्ट फॉर्म है, और आपकी टेक्स्ट बुक की फर्स्ट फॉर्म होती है बच्चों, उसे कहा जाता है एस टी ई एम, स्टेम फॉर्म ऑफ द वर्ब। वैसे स्टेम शब्द का मतलब हिंदी में तना होता है, क्या होता है विज्ञान की भाषा में आप पढ़ते हैं तो आप इसको तना कहते हैं, मतलब होता है वर्ब की बेस। आप इसके लिए वर्ब फॉर्म शब्द का प्रयोग भी कर सकते हैं, यह है वर्ब की बेस फॉर्म, यह है वर्ब की बेस फॉर्म, ये वर्ब की क्रिया की जो आधार रूप है क्रिया का उसका प्रयोग करते हैं। लेकिन बच्चों आपने ये भी देखा कि ई और शी के साथ में आपने प्ले नहीं प्लेज का प्रयोग किया, सैम के साथ भी प्लेज का प्रयोग किया, सोफिया के साथ
निष्कर्ष बच्चों ये निकला कि आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसे आप स्टेम फॉर्म कहते हैं उसमें कभी एस और कभी आपको ई एस जोड़ना चाहिए, सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो। आ गई समझ में? अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या जोड़ना चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में नियमानुसार एस या ई एस जोड़ना चाहिए। अब बच्चों प्रश्न ये होता है कि एस कब जोड़े, ई एस कब जोड़े? तो आपको बताया गया है कि जिन क्रियाओं के अंत में डबल एस, एस एच, ओ, एक्स या कभी कभी जेड आ जाए उनके अंत में ई एस जोड़ना चाहिए और शेष यानी बाकी जितनी भी क्रियाएं हैं उनके अंत में आपको केवल एस जोड़ना चाहिए। लगी बात बच्चों? आपको यह भी समझ कि जैसे एक वर्ब है बच्चों पी एल ए वाई, इसके अंत में वाई आ रहा है, आपने केवल एस जोड़ा है, अंत में वाई आ रहा है, लेकिन बच्चों एफ एल वाई फ्लाई यानी होता है उड़ना या उड़ाना, इसमें आप देख रहे हो कि इसके अंत में वाई आ रहा है और वाई के पहले एल आ रहा है जो कि एक कॉन्सोनेंट याद है और उसके ठीक पहले वोवल नहीं अपितु कॉन्सोनेंट, ऐसी वर्ब को सिंगुलर एफ एल और y को बदलो i में और लगाओ es, ये हो जाएगा भी आ जानी चाहिए कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसका प्रयोग करते हो आप कब। मैं क्या लिख दूं? सब्जेक्ट अगर तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना चाहिए, अगर बच्चों वर्ब के अंत में वो आ रहा है जैसे जीव गो तो आपको उसके अंत में ईएस जोड़ना पड़ेगा, लेकिन बच्चों अगर वर्ब के अंत में डबल एस एस एच एक्स और एक्स सी एच अगर ये आते हैं तो आपको ईएस जोड़ना चाहिए और आपको केवल एस जोड़ना चाहिए अंत में आ। आपने देखा ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है। अब बात आती है बच्चों आई और वी की, तो वी तो है लेकिन बच्चों ये आई है, ये आई और यू इन दोनों को इंग्लिश में आपको प्लूरल मानना चाहिए। ये अपवाद कि आई के साथ में पास्ट टेंस में बच्चों वर का प्रयोग नहीं होता अपितु वाज का प्रयोग होता है, और आई के साथ में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जहां इज एम आर कि क्रिकेट एक खेल का नाम जो के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग करना सख्त मान, सबसे पहले आपको आर्टिकल इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में द वर्ब इज यूज्ड वर्ब का अंदर वर्ब का जो है स्टेम फॉर्म के अंदर प्रयोग किया जाता है, अर्थात अगर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब का ही प्रयोग करना चाहिए, परंतु एंड इन द स्टेम प्लस एस और आपको स्टेम फॉर्म के अंदर ऐसे एस जोड़ना चाहिए, स्टेम प्लस एस फॉर्म इफ द सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, आप देख रहे हैं ये फर्स्ट पर्सन है, ये भी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है और ही शी सैम सोफिया ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, दे बच्चों थर्ड पर्सन तो है, आप तो सिर्फ इसको यह समझो तो प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे एस मत जोड़ो, लेकिन आई अगर यू आ रहा है तो उसको अंग्रेजी में बहुवचन माना जाता है, इसका एक्सेप्शन या इसका अपवाद सिर्फ यह है कि जब हम पास्ट टेंस पढ़ेंगे तो हम आई के साथ साथ में इज का प्रयोग नहीं करके एम का प्रयोग करेंगे। आइए बढ़ें, देखो बच्चों वी ईट राइस, हम चावल खाते हैं तो वी क्या है प्लूरल है, तो इसके साथ भी आपने ऐसे एस नहीं जोड़ा है, अशोक सिंगुलर है इसलिए आपने क्या किया अशोक ईट्स राइस, स्टेम के अंदर आपने एस जोड़ा है
दे लव चॉकलेट्स, वो चॉकलेट को पसंद करते हैं, इसका मतलब होता है दे लव चॉकलेट पसंद करते हैं। तो यहां बच्चों दे प्लूरल है, इसलिए लव में आपने कुछ नहीं जोड़ा। शी लव चॉकलेट्स, ये शी सिंगुलर है, इसलिए बच्चों आपने लव पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है, या यह भी मान सकते हैं कि आई को हम अंग्रेजी में प्लूरल मानते हैं, इसलिए आई के साथ में यह किया आपने। ओके बच्चों, आज जेंट्स सिंपल टेंस सिंपल ट्रिक है मेरे पास में, वो टेंस का प्रयोग। कुछ ऐसे संप्रत्यय होते हैं, देर आर ऐसे शब्द के लिए आपको केवल और केवल प्रेजेंट सिंपल टेंस प्रयोग, वो कौन शब्द एक प्रयोग तब होगा में आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे मैं आप एन एम्प्टी वेसल, ये देखो एन एम्प्टी यानी खाली बर्तन, एक तो दूसरा सेंटेंस देखो, सन ओके सैम देखो जो टू एंड टू फोर आप देखिए जो मैंने इन्हें आप ध्यान पूर्वक देंगे पढ़ दीजिए बच्चों आप। है इसमें सर्फ का भाव है, एस यू आर एस बच्चों आप यो मतलब बच्चों ये देखो यू का मतलब बच्चों यू टी यानी यूनिवर्सल ट्रूथ का और आर का मतलब होता है बच्चों रिपीटेड, यह है रिपीटेड एक्टिविटी, वाक्य में रिपीटेड एक्टिविटी या रिपीटेड एक्शन ऐसा काम सिंपल रखना चाहिए। और एफ का मतलब अगर वाक्य में बच्चों फैक्ट है, कोई तथ्य या कोई सिंपल रखना चाहिए। खाली बर्तन ज्यादा शोर मचाता है बच्चों, ये सब्जेक्ट है और यही सब्जेक्ट का क्या है प्री मोडिफायर है, हेड वर्ड है बच्चों को क्या है जो रियल सब्जेक्ट वो वेसल है। और आप अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब भी सिंगुलर होगी और सिंगुलर वर्ब के अंत में क्या आपका शुद्ध वाक्य बनेगा, एन एम्प्टी वेसल मेक्स मोर नॉइज। इन द ईस्ट यानी बच्चों सूरज पूर्व में होता है तो
उगने के लिए वो वर्ब का प्रयोग करते हैं जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो ग्रो जी आर ओ डब्ल्यू ग्रो ग्रो माने उगना होता जरूर है परंतु जब फसल उगने ग्रो का प्रयोग करते हैं एक बार कोई भी डेट आ जाए आई विल पर जाऊंगा दिवाली पर तो दिवाली है त्योहार का नाम है वैसे ये बार बार होने करना चाहिए इस स्थिति में इस सेंटेंस में आपको सिंपल टेंस का प्रयोग करना चाहिए जो आप देख रहे हैं कि सिंगुलर है अगर सिंगुलर है तो उनका सिंगुलर बनाने के लिए उनके अंत में ईएस जोड़ना चाहिए अपने कपड़े होता है एक शब्द होता है सी एल ओ आपको ये और सेम वोसेज इज क्लोज कंसेंट है देख रहे हैं बच्चों टू एंड टू टू एंड है
सेंटेंस भी दिया है कि भूख आगे देखेंगे आप, आई एम बिलीविंग इन गॉड, और एक सेंटेंस लिखो, आर यू रिमेंबरिंग, आर यू रिमेंबरिंग, और अंतिम सेंटेंस में यह लिख रहा हूं, शी इज having a car, she is having a car, यानी उसके पास में एक कार है। देखो बच्चों, सभी बच्चों को ध्यान से देखो, हेलो जी मैडम, ये बच्चों जितने भी सेंटेंस आपने देखे हैं इनमें अपने को कुछ करेक्शन करने हैं। आप ये देखो बच्चों कि व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड, यहां पर जो वर्ब है वो सी वर्ब का प्रयोग हो रहा है। मैंने ऊपर जो ट्रिक लिखी है बच्चों उससे आपको ये समझाना चाहता हूं मैं कि जो स्वामी जी है बच्चों, इसका जो पहला अक्षर है वो आएगा एस, और एस का मतलब होगा एस डबल ई सी। इसको अगर आप फोनेटिक करते हैं तो इसका पहला अक्षर आएगा यू, और यू का मतलब होगा अंडरस्टैंड,
और दूसरा बच्चों ये लड़कों यहां पर इसका मतलब होगा एल, एल से मतलब लव या हैट या लाइक या डिसलाइक, के का मतलब नो, एच, एच का मतलब हियर, और भूखा, बी, बी यानी होगा बिलीव, और रखते हैं ये हो गया बच्चों रिमेंबर, क्या हो गया रिमेंबर, और अंत में बच्चों होगा हेज या हेव। अगर इन वर्ब्स का प्रयोग बच्चों अगर उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है तो आपको यह ध्यान देना चाहिए कि इन वर्ब्स का प्रयोग कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं होता, अर्थात इनमें आईएनजी जोड़ना सख्त मना है, और अगर इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो रहा है तो ऐसे वाक्यों को शुद्ध करने के लिए उन्हें प्रेजेंट सिंपल टेंस में बदलना चाहिए। एक एक बताता हूं, व्हाट आर यू सीइंग आउटसाइड, तो बच्चों इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाने के लिए पहले तो आर को काट के यहां करना पड़ेगा डू, व्हाट डू यू, आईएनजी हटाओ, अब वाक्य बनेगा आप बाहर की तरफ क्या देख रहे हो। इसका हिंदी अनुवाद तो यही होगा, पर बच्चों अंग्रेजी में आप इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं लिख सकते, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा व्हाट डू यू सी आउटसाइड। प्रश्न यह है कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि ये जो वर्ब्स मैंने बताई है दीज आर द वर्ब्स ऑफ सेंसेशन, अर्थात ये हमारी ज्ञानेंद्रियों से संबंधित क्रियाएं हैं, और ये कुछ ऐसे कार्य हैं जो अनायास होते हैं, सायास नहीं होते, अर्थात इन कार्यों को करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए इन वर्ब्स में आईएनजी का प्रयोग करना गलत माना जाता है। दूसरा, आम अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, यहां बच्चों इसको प्रेजेंट सिंपल में बनाने के लिए एम को हटाओ और इधर आईएनजी को हटाओ, अब आपका वाच सेंटेंस क्या बन गया, आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, अर्थात मैं आपकी समस्या को समझ रहा हूं या समझता हूं, यह वाक्य बिल्कुल शुद्ध हो गया है। आर यू हियरिंग ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, क्या बाहर की तरफ एक विचित्र आवाज सुन रहे हैं, तो आर का मतलब होगा डू, डू यू, आईएनजी को हटाओ, डू यू हियर ए स्ट्रेंज नॉइज आउटसाइड, अर्थात क्या तुम बाहर की तरफ विचित्र आवाज सुनते हो। आगे देखो, आई एम लविंग यू, ऐसे तो कोई नहीं बोलता बच्चों, एम को हटाओ, आई, आईएनजी हटाओ, और आईएनजी हटाते ही क्या बन जाएगा एल ओ वी ई, ये ई आ जाएगा, क्योंकि बच्चों आप जानते हो कि जिन वर्ब्स के अंत में ई होता है और जब आप उनमें आईएनजी जोड़ते हो तो अंतिम ई हट जाता है, इसलिए शुद्ध बनेगा आई लव यू, और ये जो आपने बनाया कि आई एम लविंग यू ये बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट देखेंगे, आर यू नोविंग फ्रेंच, आर को काट के डू करो, डू यू, आईएनजी हटाओ, डू यू नो फ्रेंच, यानी क्या तुम फ्रेंच जानते हो। या बच्चों ये भी देखो कि फ्रेंच एक भाषा का नाम है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग करना सख्त मना है, अगर आपने यहां फ्रेंच की जगह द फ्रेंच कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रांस का निवासी। उसी तरीके से द इंग्लिश का मतलब अंग्रेज होता है, जैसे द इंग्लिश आर वेरी कनिंग, माने अंग्रेज बहुत मक्कार होते हैं, द फ्रेंच आर वेरी फैशनेबल, फ्रांस के लोग बहुत ही फैशनेबल होते हैं, लेकिन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश के बाद इज आ रहा है और आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि वेन यू यूज इट इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज, जब आप इसका प्रयोग लैंग्वेज के सेंस में करते हैं तो न तो इसके पहले आर्टिकल आता और न इसके बाद आने वाली वर्ब प्लूरल होती, इसके बाद आने वाली वर्ब हमेशा सिंगुलर होती। क्लियर। आइए देखो बच्चों, आई एम बिलीविंग इन गॉड, इसका मतलब यह हुआ कि मैं भगवान में विश्वास कर रहा हूं, तो यहां भी क्या करना पड़ेगा, आई एनजी हटाना पड़ेगा, और जब आप आई एनजी हटाओगे बच्चों तो क्या होगा, बी ई एल आई ई वी ई, ये ई बाहर आ जाएगा। आई बिलीव इन गॉड यानी मैं भगवान में विश्वास करता हूं। आर यू रिमेम्बरिंग, इसे काट के करो बच्चों, डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है, यहां आई एनजी हटेगा और आपका सेंटेंस बन जाएगा डू यू रिमेम्बर, क्या तुम्हें याद है। और अंतिम सेंटेंस बच्चों ये कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आया हुआ है, शी इज हैविंग ए कार, अर्थात वो ये कार को ग्रहण कर रही है, जबकि आप जानते हो बच्चों हैव का प्रयोग दो अर्थों में किया जाता है, एक तो ग्रहण करने के अर्थ में, जैसे आई एम हैविंग लंच, मैं दोपहर का भोजन खा रहा हूं, शी इज हैविंग डिनर, वो रात्रि का भोजन खा रही है, तो खाने के सेंस में या ग्रहण करने के सेंस में तो बच्चों आईएनजी जोड़ना सही है, लेकिन कार को आप खाते नहीं हो, कार को आप रखते हो, कार के आप मालिक हैं, तो कार को आप पजेज करते हैं, तो जब पजेजन के सेंस में आप हैव का प्रयोग करते हैं तो उसमें आईएनजी नहीं जुड़ता, इसलिए क्या करो, ये शी हैज, शी हैज ए कार, अर्थात वह एक कार रखती है। इन सबको पढ़ के बच्चों हमने निष्कर्ष ये निकाला कि अगर सेंटेंस में एस डबल ई सी, नंबर दो अंडरस्टैंड, या आएगी बच्चों लव, और लव का उल्टा होता है हैट, आई एम हैटिंग यू, ये भी गलत है, आई हैट यू बोलना चाहिए, लव हैट, और लाइक या डिसलाइक भी बोल सकते हैं आप। उसी तरीके से के का मतलब के एन ओ डब्ल्यू, नो, और हमें ये जो बच्चों हियर है इसका मतलब होता है सुनना, बिलीव माने विश्वास करना, रिमेंबर माने याद करना, और हैज या हैव का मतलब किसी चीज के ऊपर पजेजन या स्वामित्व रखना। अगर इन वर्ब्स का प्रयोग बच्चों हुआ है, बात समझ आ रही है, अगर इन वर्ब्स का प्रयोग हुआ है और इन वर्ब्स के अंत में आपने आईएनजी जोड़ा हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, तो ऐसे
वाक्यों को शुद्ध करने के लिए आईएनजी को उठा करके उन सेंटेंसेस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से देखा बच्चों आपने कि ये जो आपका प्रेजेंट सिंपल है इसके बारे में दूसरा कंसेप्ट मैंने क्लियर किया है। तीसरा कंसेप्ट बताता हूं, देखो बच्चों तीसरा कंसेप्ट लिखो, तीसरा कंसेप्ट लिखो इसके बारे में, इसका मतलब होगा बच्चों परमानेंट अरेंजमेंट। देखो PERMANENT, परमानेंट अरेंजमेंट यानी स्थायी गतिविधि। इस TA का मतलब होगा टेम्पररी अरेंजमेंट यानी अस्थायी गतिविधि, टेम्पररी और ये हो गया अरेंजमेंट। तो आपने देखा कि एक तो स्थायी गतिविधि है और दूसरी अस्थायी गतिविधि है। मैं उदाहरण से अपनी बात क्लियर करता हूं, देखो लता यूजुअली और आगे लिखा आपने सिंग इन हिंदी, लता यूजुअली सिंग इन हिंदी बट शी ब्रैकेट में लिखो सिंग इन तमिल टूडे, इन ये देखो तमिल और ये है बच्चों टूडे। अब देखो आप इस सेंटेंस से अपनी बात क्लियर हो जाएगी, जब मैं आपको कहता हूं कि लता यूजुअली सिंग इन हिंदी यानी लता आमतौर पर हिंदी में गाती है बट शी सिंग इन तमिल टूडे, परंतु आज वह तमिल में गा रही है। तो बच्चों आप ये देख रहे हैं कि इसमें एक तो है परमानेंट अरेंजमेंट अर्थात स्थायी रूप से तो वो हिंदी में गाती है, इसलिए ये वाला जो पार्ट होगा इसका टेंस होगा प्रेजेंट सिंपल, और आप क्या करोगे लता यूजुअली सिंग्स, लता यूजुअली सिंग्स इन तमिल यानी लता आमतौर पर तमिल में गाती है सॉरी हिंदी में गाती है बट शी इज सिंगिंग, ये टेम्पररी अरेंजमेंट है इसलिए यहां पर आप क्या करोगे कंटिन्यूस का प्रयोग करोगे शी इज सिंगिंग इन तमिल टूडे। लता आमतौर पर हिंदी में गाती है परंतु आज वह कौन सी भाषा में गा रही है, परंतु बच्चों आज वह तमिल भाषा में गा रही है। और आगे देखो एक उदाहरण और देता हूं आपको, सेंटेंस लिखना बच्चों दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू आगरा, ये सड़क जयपुर से आगरा जा रही है। दूसरा देखो ही स्टेज इन दिल्ली ये लगा दिया एस इन दिल्ली नाउ ए डेज, यानी आजकल वह दिल्ली में ठहरा हुआ है। देखो दोनों वाक्यों को ध्यान से देखो, दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू आगरा यानी ये सड़क जयपुर से आगरा जा रही है। दूसरा सेंटेंस है ही स्टेज इन दिल्ली नाउ ए डेज अर्थात आजकल वह दिल्ली में ठहरा हुआ है। तो देखो बच्चों ऊपर वाला सेंटेंस जो हमने लिखा है कि दिस रोड इज रनिंग फ्रॉम जयपुर टू आगरा यानी ये सड़क जयपुर से आगरा जा रही है, तो बच्चों आप ये देखते हैं कि कोई भी सड़क अगर जयपुर से आगरा जा रही है तो स्थायी रूप से जा रही है, इसलिए बच्चों टेम्पररी अरेंजमेंट नहीं है, दिस इज ए परमानेंट अरेंजमेंट। इसलिए क्या करना पड़ेगा, इज को काटो प्रेजेंट सिंपल बनाओ इसका, आईएनजी को काटो, और आईएनजी को जब आप काटोगे तो रन में जो डबल एन है वो भी हट जाएगा सिंगल एन, और इसमें एस लगाओ, दिस रोड रन फ्रॉम जयपुर टू आगरा माने ये सड़क जयपुर से आगरा जाती है। दूसरा देखो ही स्टेज इन डेली नाउ ए डेज यानी आजकल वह दिल्ली में ठहरा हुआ है, तो नाउ ए डेज शब्द आ गया बच्चों जिसको हिंदी में बोलते हो आजकल, इसी इस बात का पता चल रहा है कि सेंटेंस में जो अरेंजमेंट है वो परमानेंट नहीं है, वो टेम्पररी है, कुछ समय के लिए ठहरा हुआ है। इसलिए क्या करो ये, इसलिए इसका कंटिन्यूस बनाओ ही के साथ लगाओ इज,
और स्टे में जोड़ो बच्चों ing. He is staying in Delhi now a days, अर्थात आजकल वह दिल्ली में ठहरा हुआ है. He is staying in Delhi now a days, अर्थात वह आजकल दिल्ली में ठहरा हुआ है. तो बच्चों इस तरीके से आपने जाना कि दो कॉन्सेप्ट मैंने आया, तीन कॉन्सेप्ट इसके बताए. प्रेजेंट सिंपल टेंस में सबसे पहले हमने आपको ये बताया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस जोड़ते हैं अगर कर्ता एक वचन है तो. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे यस नहीं जोड़ते इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल. दूसरी बात बच्चों ने आपको ये बताई कि सेंटेंस में अगर सेइंग का भाव है, कहावत, यूनिवर्सल ट्रुथ का भाव है, सार्वभौमिक सत्य, सेंटेंस में अगर रिपीटेड एक्टिविटी का भाव है, बार बार होने वाली, ठीक है, बार बार होने वाली गतिविधि, और बच्चों अगर हमने आपको ये बताया सेंटेंस में फैक्ट का मतलब तथ्य का भाव है, तो ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस का टेंस कौन सा होगा? ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा. आइए बच्चों हमने आपको ये बताया कि कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनको करने के लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अर्थात प्रयास नहीं करना पड़ता, वो क्रियाएं अनायास होती है, सायास नहीं होती. उन वर्ब्स का प्रयोग जब भी कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है तो वो गलत माना जाता है, इसलिए उन वर्ब्स का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही करना चाहिए. जैसे मैंने बोला सी, वो क्रियाएं मैंने लिखवाई है, वो वर्ब्स मैंने लिखवा दिए. और आगे वाली बात बच्चों हमने बताया आपको, अगर सेंटेंस में परमानेंट अरेंजमेंट है तो उस सेंटेंस का टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा, लेकिन बच्चों अगर परमानेंट अरेंजमेंट नहीं है तो उस सेंटेंस का जो टेंस होगा वो कौन सा होगा? अगर उसमें परमानेंट अरेंजमेंट नहीं, टेम्परेरी अरेंजमेंट है, तो उस सेंटेंस का टेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा. तो बच्चों मेरी क्लास जैसे समाप्त हो जी, तो ध्यान दोष के ठीक बाद में बच्चों आपके जो एक प्रोग्राम है टिमटिम तारा, उसका दूसरा एपिसोड चलेगा. और हमारी बात बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और आगे वाली बात अगली क्लास में. नमस्कार.